नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं वो क्या है कि टाइटनेस की वजह से और पैरों को फोल्ड करके रखते हैं, हाथों को भी फोल्ड करके रखते हैं, तो कुछ टाइम के लिए अपने क्या है कि इस प्रकार से गेटर और AFO पहना के और बच्चे की बॉडी को कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो। तो ये देखो, मैंने बच्चे के हाथों में गेटर बांध दिए हैं और पाँव में भी नी गेटर और AFO पहना दिए हैं और इस पोजीशन में बच्चे को रिलैक्स करके आपको सुला देना है। और बच्चे के साथ में बच्चे के लिए आपको क्या करना है, कोई म्यूजिकल गाना वगैरह वो भी चला देना है और बच्चे की आंखों की एक्सरसाइज आपको करवानी है तो आपको टॉयज वगैरह वो भी आप बच्चे को दिखा सकते हो और साथ में बच्चे के हाथों की एक्सरसाइज भी आपको करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हो। प्रकार से आप बच्चे को कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट आधे घंटा तक बच्चे को रख सकते हो और साथ में बच्चे को बिजी भी रखना है और बच्चे का मूड भी आपको फ्रेश रखना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इस प्रकार हाथ पांव के गेटर बांध के और AFO पहना के आपको बच्चे को सिटिंग भी करवानी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार दीवार के पास हटा के मैंने बच्चे को बिठा लिया है और पीछे पिल्लो से सपोर्ट लगा दी है ताकि दीवार की चुभन ना हो और हाथों को इस प्रकार से आपको सीधा करके और बच्चे को बैठाना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, बच्चे के दोनों पाँव को जोड़े करके और ये जो सीट मैंने वीडियो में आपको पीछे दिखाई थी, ये इस प्रकार की सीट मेरे पास बनी हुई है, तो इसको क्या है कि आप दोनों पाँव को चौड़ा करके और इस प्रकार से इस सीट को लगा देना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो एडक्टर मसल है वो भी रिलीज होगी और बच्चे के पाँव के क्रोच हैं वो भी कम होंगे और बच्चा रिलैक्स महसूस भी करेगा। अब यहाँ पे आप कुछ टॉयज वगैरह भी रख सकते हो इस प्रकार से और बच्चे को हाथ को ऊपर उठा के इस प्रकार टॉयज आप दे भी सकते हो। ये लो बेटा, टच करो बेटा, कोई बात नहीं, इस प्रकार से भी आपको कोई टॉयज वगैरह दे देना है और बच्चे को थोड़ी बहुत हाथों की एक्टिविटी करानी है ताकि बच्चा बैठा बैठा बोर भी ना हो और आराम से कुछ टाइम के लिए इस प्रकार बैठा भी रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारी एक्सरसाइज और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।